कितनी यादें जुड़ी है ना स्कूटर के साथ, है ना, कहाँ कहाँ पे नहीं गए हम लोग इसके ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल, आज है 16th of December 2022। आज के दिन जो है हमारी कंपस आई थी, हमारी एक्टिवा 125 आई थी, आज इसका बर्थडे है, आज इसका 5वां बर्थडे है एक्चुअली। सो इसके लिए जो इसको मस्त हार वार पहना रहे और फिर जो है इसको राइड वाइड पे लेके जाएंगे। सो ओवरऑल जो है बहुत ही खुशी हो रही है, 3 साल का लोन था, इस पर लोन भी क्लियर हो चुका है, उसके साथ साथ जो है पूरी गाड़ी एकदम ही टकाटक कंडीशन में है। ये गाड़ी अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब चली है अराउंड 18,000 किलोमीटर्स, 5 साल में 18,000 किलोमीटर्स। तो इसको जब रीसेल में डालूंगा तभी बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे आएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करी इस स्कूटर में, पहले तो ये जो पर्टिकुलर डिफॉल्ट सीट आती है उसको हटा के मैंने थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो मोबाइल का मैंने स्टैंड लगाया है, अभी 2-4 दिन पहले ही जो है मैंने मिरर्स चेंज किए और यहाँ पे जो है पीछे बैकरेस्ट लगाया। और ये जो कंपनी ने दिया हुआ नहीं था फुटरेस्ट, ये फुटरेस्ट मैंने डाला है इसमें। सो हैप्पी बर्थडे कंपस, मे यू बी विथ मी फॉर लाइफ टाइम। बहुत प्यारी स्कूटर है एक्टिवा 125। और ये हार लग गया है, आज तो चकाचक लग रही है, धन्नो बहुत प्यारी लग रही है। सो गाइज, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आपने आपकी बाइक या स्कूटर या कार का कोई नाम रखा है और क्या आप उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। ऐसे तो हर साल नहीं करते पर आज 5th बर्थडे है तो मैंने हम लोग ने आज सेलिब्रेट किया। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, मस्त एकदम तिलक विलक लगा के ना, चिकनी लग रही है आज खुशी। कितनी यादें जुड़ी है ना स्कूटर के साथ, है ना, कहाँ कहाँ पे नहीं गए हम लोग इसके ऊपर। चलो थैंक यू सेलिब्रेट करने के लिए।